पता नहीं कहीं कैसे दिमाग से खराब हो गया आपकी, इसकी खोप चढ़ गई भाई, समझ नहीं आ रहा क्या हो गया, घुमाया जा रहा भाई। ये मुझे बहुत प्यारा लगा, से 18 बजे तक खुला रहता है, आज 11 से इंग्लिश 8 बजे तक खुला है भाई, अभी 5:30 ही हो रहे हैं, चलते हैं। ये ऐसे टेढ़ी होती है इस फोटो में, ऐसा है जैसे हम मूव करते हैं उस हिसाब से बदलती है, देख रहे हो, जैसे मैं बीच में आ रहा तो वही उसका वाइट बोर्ड बीच में आ रहा है, ऐसे जैसे जा रहा हूँ तो ये बड़ा आ रहा है। और बाकी इन्होंने ये दिए एंट्री टिकट, तो हमने हमारे स्टूडेंट वो दिखाया तो हमें 9 यूरो की पड़ी, वरना 12 यूरो की है। और बाकी ये बैग लॉकर रूम में रख दिया हमने, और ये सब चीज़ें इनकी वो हैं, प्लेस ऐसा सा है काफ़ी अच्छा है, इसमें देखते हैं क्या है। तो ये 3D रखता है कि ऐसे रखते कि बाहर आया है, बट ऐसे कहीं बाहर नहीं है। हाँ ये तो नॉर्मल 3D पिक्चर जैसा है, तो खास नहीं है। ये कैफे 2D कैफे बना रखा है, ब्लैक एंड वाइट ऐसे लगता है, नॉर्मल है, कोशिश करी है इन्होंने नॉर्मल रखने की। हेलो, सॉरी फॉर डिस्टर्ब, लेट्स गो। हाँ अच्छा, इसमें चारों सीज़न देख सकते हैं चेंजिंग ऐप वाला व्यू में। ओह मैंने नोटिस नहीं किया, अब अभी देख रहे हो ऑटम है, और फिर ऐसे ये देखो चारों, एक में हरी पत्ती, एक में स्प्रिंग है, और एक में क्या है भाई, अच्छा ऑटम स्प्रिंग, और ये चारों सीजन है, इसमें विंटर है, और ये ऊपर देखो रेनबो भी है, तो काफ़ी चीज़ ठीक है। विंटर में जैसे बर्फ बर्फ दिख नहीं रही वैसे तो, ओ ये बर्फ, दिस इज बर्फ, टोमेंटोज ऐसा लगता है, जा रहा नीचे, काफ़ी अच्छा है, आर्ट वर्क सही है, काफ़ी अच्छे हैं। तो वही कह रहे, एक कोने से अगर जितने भी टच करोगे समझ लो जैसे एक लाइन से क्यूब बना रखा है। What's up with this? Okay. हाँ ओके, तो ये ऐसा है, एक सेकेंड, अब जैसे देख रहे हो मेरी शक्ल में घुस गया ये ऐसे, हाँ मेरा शक्ल और इसका वो चेस्ट लेवल मैच नहीं कर रहा, एक सेकेंड, इट्स वियर्ड, कह रहे वियर्ड है ये देखो, काफ़ी अजीब सा आ रहा है, और बढ़िया चलो चलिए। व्हाट्स अप विद दिस वन, यू सीम टॉलर हियर जस्ट बिकॉज़ एवरी सेंटीमीटर हियर इज लाइक इन ऑफ 1 मिलीमीटर, सो इट्स नॉट 10 मिलीमीटर, सो ईच सेंटीमीटर इट्स 9। ओके, सो यू कैन टेक इट, नो वे आई कैन बी 190। चलो भाई हमारी हाइट बढ़ गई, नो वे इट्स वर्थ इट। अच्छा इसमें बताने क्या बड़ा लग रहा है, कौन सा बड़ा लग रहा है, ओह ऐसे लाल वाला बड़ा लग रहा है ना, रूह लाइक यू कैन सी, यू विल थिंक दैट दिस रेड वन इज बिगर, बट व्हेन यू इंटरचेंज इट विल फील लाइक दिस वन इज बिगर। डिड यू चेंज इट, या वी चेंज इट ऑलरेडी, या बट यू कैन आल्सो पुट इट ऑन ईच अदर एंड यू विल सी दैट देयर इज द सेम साइज। ओह या, एंड डू यू नो व्हाई वी सी दिस इलूजन, it's not because of the table actually and you can also change the perspective to be the same, yeah, like this one is bigger, yeah, why is, what's the reason, just because we compare this different sides here, like mm-hmm. long side with short side, okay, you can flip one of it and you will see that they are the same, same, yeah, because we compare the yeah. same sides.
You are seeing the 6, I am seeing the 9. Both are correct. Do you want me to take a photo of you both? Yeah. इसमें क्या है कि आपको नॉर्मल ऐसे खड़े रहना है और जब आप फोटो खींचोगे तो एडिट में करके उसको रिवर्स कर देना है वर्टिकल में ही, तो फिर आपको ऐसे लगेगा कि आप सीधे खड़े हो, उल्टे मतलब हवा में हो, छत पे जैसे चिपके होते हैं ना वैसे। चलो चल के देखते हैं नीचे। कह रहे हैं कि ऐसे ऊपर इसको हाथ को ऐसे ऊपर नीचे करेंगे तो वेलवेट जैसे फील आएगी, इसको लग रहा है पर मेरे को कुछ नहीं लग रहा, पता नहीं अभी से पूछते हैं। जस्ट कम एंड लेट देम ट्राई, आई डोंट फील इट। यू जस्ट हैव टू रब लाइक योर हैंड्स अप एंड डाउन, यू माइट फील समथिंग लाइक अ वेलवेट। इसे भी फील हो रहा है पर मुझे भी नहीं हो रहा, लेट्स सी में फील होता है कि नहीं। No. You are not also feeling, right? Anything? No. Yeah, he felt, but I didn't feel. Yeah, I feel. But I can't feel anything. Okay, try this motion. It works. This. टीनी बस कुछ है एंड सॉफ्ट से लगते हैं, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। अब बाकी देखते हैं क्या चीज़ है। इसमें यह है कि अगर हम इन चारों को ऐसे ऊपर रखेंगे तो एक बढ़िया सी आपको पूरी फोटो मिल जाएगी। क्या वो व्हाट वी से टू दैट क्रोमेटिक एब्रेशन, क्रोमेटिक एब्रेशन। तो इसको रखते हैं इसके ऊपर, ठीक है, और इसको रखते हैं इसके ऊपर, इसको रखते हैं इसके ऊपर। अब इनको करते हैं ऐसे अलाइन, ये करेगा अलाइन, और उसके बाद ऐसी सी फोटो बन जाइए, बहुत ही प्यारी लग रहा है। और ऐसा था, चलो सही है, ये बेसिकली ये कलर ऐड हो रहे हैं कुछ करके, पता नहीं क्या है इसमें, साइंस कर दिया। देखो ये चार रंग आ रहा हूँ मैं, ऐसे ऐसे आ रहा है, देख रहे हो। इस साइड से देखने में ऐसा लग रहा है पूरा देखो कोने तक है, ठीक है, और इसमें भी देखो पूरा देखो कोने तक है, ठीक है, पर अगर आप बीच से देखो तो आपको दोनों लग रहे हैं आधे आधे ना। अब ऐसा क्यों है ये समझ नहीं आया, मोहतरमा से पूछते हैं। हाय, क्या है, यू नो व्हाई इज लाइक दिस, व्हाई आई सीन लाइक दिस, यू कैन सी द एग्जांपल हाउ द pictures look like actually real life here. So it's the wolf and the sheep on the same picture, but the wolf is red and the sheep is blue. But when we put the filters, the colors just hide each other. So that's why we see only wolf here, only sheep here. Okay, so which one is like this one hide this one? Pardon? Which color hides the other? So you can see that this filter is blue. Yeah. So the blue filter just hide the blue sheep, so that's why we see only red wolf. Ah. Yeah. Get the it. Same like with the opposite color. But you can see the ears of wolf here. अगर ध्यान से देखो तो आप ऊपर ऊपर दिख रहे हैं ये वुल्फ के, वो दिख रहे हैं बेसिकली लाल कलर लाल को छुपा रहा है, इधर भी है शीप पर वो लाल कलर की है तो उसको छुपा रही है, और इधर ब्लू की है कुछ ऐसा सा ही है, तो ऐसा सा वो उसने बताया। ऐसे दिख रहे हो ये शीप उसने ऐसे बना रखी है ब्लू से और वो लाल से, तो वो जब लाल के ऊपर आते तो उसको छुपा जाता है, तो ब्लू पर आता है तो नहीं छुपा पाता, तो ऐसा सा समझ रहे हो ना बस मूवी। इसको देखते हैं, ये है इसको, इसको घुमाते रहना, ठीक है, रो वही नहीं करने दे रहा ये, तो कुछ कर नहीं सकते। इसको ऐसे घुमाया, वैसे घूमता ऐसे डिज़ाइन आता है, ठीक है, अब रोकेगा और ये देख रहे हो बेहतरीन, बहुत ही प्यारा, इट्स लाइक अ व्हर्लपूल। ये है, अब इसमें अगर आपको ये बिल्कुल कैसी दिख रही है, आपको मूव होती हुई दिख रही है या बिल्कुल स्टेबल दिख रही है ये बताओ पहले, ठीक है। अगर आपको ये स्टेबल दिख रही है तो आप फिजिकली बिल्कुल सही हो, वेल बैलेंस काम हो, ऐसा लिखा है। और अगर ये आपको मूव होती हुई दिख रही है तो भाई बैठो शांति से, रेस्ट वेस्ट करो, थोड़ा ध्यान रखो अपना मेंटली और फिजिकली इमोशनली। बिल्ली भी डर गई। तो ये है क्या सा आपको धबकता धबकता दिख रहा है क्या, और ये हल्का हल्का धीरे धीरे मूव होता दिख रहा है, इसमें ही ऐसा है भाई। अब इसमें कुछ अलग हो रहा होगा, पता नहीं क्या हो रहा है, उस पास जाके फर्क पड़ रहा है क्या,
Ooh, Hopi. बड़ा वियर्ड सा है, कुछ भी नहीं है भाई। यूनिट डिस्क अब इस पर ऐसे रोल कर दिया ना तो भी घूमता रहेगा, बहुत बेटर तब तक घूमता रहेगा। इसमें से लिखा है जैसे रोलिंग और फ्रिक्शन जो रेजिस्टेंस है वो मिनिमाइज कर दिया गया है, और अगर बिल्कुल जिस पुट बी अचीव्ड ऑन हार्ड लो फ्रिक्शन तो सच एज क्लास ऑन परफेक्ट कंडीशन अगर हो सॉरी तो वाइब्रेशन डजेंट एग्जिस्ट द डिस्क वुड रोल फॉर एवर। अगर परफेक्ट कंडीशन में हमेशा से फॉर एवर चलेगा। क्या करता है तो ब्लू नीचे रह जाता है वाइट ऊपर आ जाता है। अब ऐसा क्यों है कि महासा होगा पानी वो हल्का होगा पड़ जाए तो उसको, और ये देखो नाउ पुट स्विच हो पावर दैट इट ब्रेक्स आर पार हो गया। इसकी खोपचे उड़ गई भाई, समझ नहीं आ रहा क्या हो गया, घुमाया जा रहा यू गेट रहा नहीं दिमाग गया भाई आर पार हो गया। एन इंटरेस्टिंग इफेक्ट फॉर दोज हु ऑलरेडी फॉरगॉट मैथ लेसंस ब्रो, इन इंटरेस्टिंग फैक्ट फॉर दोज हु ऑलरेडी फॉरगॉट मैथ लेसंस। इसकी मैथ खराब कर रहे, घर नहीं जाना चाहता, ये फिर से परेशान हो गया ये टायर्ड हो गया। ये देख रहे हो आप, ऐसे देखो ऐसे लगता है कि पीछे तक इन्फिनिटी तक जाता है। आप देखो यहाँ से पीछे पीछे है ये लाइट, समझ रहे हो, और ऐसा लगता है कि पूरे इन्फिनिटी तक जाता है, मतलब बिल्कुल आखिरी तक। ये कह रहा है इसमें समझ नहीं आ रहा ना बैटरी लो, ये सही बैटरी लो, पागल हो गया भाई। सर मुंह डालना है और देख पूरा ऐसे लगेगा इन्फिनिटी जैसे ही, चलो देखते हैं एक बार बाहर आएगा जब ये चलते जरा अंदर। ओए खोपड़ी डाब दी, ऐसा लगता है कि ये देखो यहाँ से नहीं मेरी शक्ल से देखो पीछे से देखो वैसे लगता होगा कि बहुत दूर तक है, पर है डब्बा, डब्बा है डब्बा, अंकल का टीवी डब्बा। इसको बाहर निकाल दे जरा, देख रहे हो कहाँ तक जा रहा है, अनलिमिटेड खोपड़ी भी बाहर आ जा। देखो ये मेरे ऐसा लग रहा है पिग ऊपर है, पर अब ये देखो, ये देखो यहाँ तक टच कर रहा हूँ, आई एम नॉट टचिंग, टचिंग प्लास्टिक। पिग इज इनसाइड ऑन टॉप ब्रदर, अबे अबे इसका दिमाग खराब हो गया, इलाज कराना पड़ेगा। ये बिल्कुल ऐसे अंदर जा रहा है, देखो बिल्कुल अंदर है, कुछ भी नहीं है, और फिर भी देख लो। गाइस डोंट ट्रस्ट हिम, इज लाइंग। भाई ये देख रहे हो ये डॉबिक्स ग्लास, नीचे से देखो लाइक ऐसे बिल्कुल नॉर्मल लगता है डॉबिक्स और ग्लास, और जब इसमें देखोगे डॉबिक्स ऐसा लग रहा है और ग्लास उल्टा लग रहा है, तो बताओ कमेंट सेक्शन में ऐसा क्यों लग रहा है। मेरे को भी समझ नहीं आता, पर इसने बताया कि डॉबिक्स में मतलब डी को उल्टा करोगे तो उल्टा लगेगा ना, पर जी को ऐसे करके देखो ऐसे करके देखो लगते सेम ही है, इसीलिए वैसा लग रहा है उल्टा। कोई नई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ब्रो व्हाट्स दिस, व्हाट्स इन दिस ब्रो, सो दिस इज आल्सो लाइक समथिंग सिमिलर बट लाइक यू सी दिस इमेजेस आर लाइक हियर एंड देयर बट व्हेन यू फ्लिप थ्रू दिस यू गेट अ पिक्चर मोनालिसा। इट्स मोनालिसा फॉर यू ब्रदर, लुक क्लोजली, ओके मोनालिसा वो इज समथिंग, ओके now look it's like some language right now if you want to see the magic study the science, study science bro, bro don't science do what you want yeah to ye humne pura kar diya I fix it bro, oi oi bro don't lie this man half this is been done by me half this. No you put straight way I told it can't it will go like this only हमने भाई बड़ी मेहनत से लगाया आधा घंटा इस पर ब्रो, कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव बढ़िया ढूंढ लिया इसमें। नो ब्रो, अबे अबे सो फास्ट वी फॉरगॉट, तो भूल गया ये भूल गया है, फिर से छोड़ो इसको, पर ये हमने कर लिया, ये देख लो दिखेंगे तो आपको आइंस्टाइन दिखेंगे,
देख रहे हो अभी तो ऐसी बनाई गई है फोटो में, बाकी इसमें ऐसा कुछ खास लगा नहीं हमें, बाकी चलते हैं ऐसे गुफा में और देखते हैं। ओ सीधे बढ़िया है, ये भी प्लाज्मा बॉल नोबल गैस है, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड है, इन द सेंटर निकोला टेस्ला ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट 1971 में। ई ऐसे जहाँ उंगली लगाओगे वहाँ पे जाएगी। ये मैजिक देखो। देख रहे हो लगी भाई बड़ी जोर से। You can listen also sound. The sound also. See. Let's go. देखो मेरी शेडो ऐसे लग रहा है एक्स पकड़ा है मैंने ट्री काटने के लिए। आप अगर बीच से देखोगे तो आपको लगेगा कि वो ऐसे दीवार घूम रही है, जग घूम रहा है आपका सारा, जग घूमे या थारे जैसा ना कोई वैसा होगा आपके साथ। और ये है इसमें आप ऐसे देख रहे हो और इसमें वैसे सिलेंडर बनेगा और हम इसको कर देंगे ऐसे तो आप देखोगे हल्का सिलेंडर टाइप लग रहा है, ऐसे सिलेंडर लग रहा है और इधर स्क्वायर लग रहा है, वैसे इतना ही फर्क है। तो भाई आपको ये बाहर दिख रहा है या अंदर दिख रहा है? मेरे को तो अभी भी अंदर दिख रहा है। तो वो बोली जिसको अंदर दिखता है उसको कोई मेंटल इशू है, पर जिसको बाहर दिखता है उसका ठीक है, पर मेरे को ये अंदर ही दिखता है। तो पता नहीं कहीं कहीं दिमाग से खराब है आपकी। देख रहे हो ये मुझे बहुत प्यारा लगा सच्ची में, ये स्कल्पचर है पर इसको अगर इसकी रिफ्लेक्शन इतनी कूल सी आ रही है इसमें देखो। ओ नाइस, ये बहुत प्यारा लगा मुझे। ये वाला जो है वेस ये क्वीन एलिजाबेथ के लिए बनाया था, सेकंड क्वीन एलिजाबेथ सेकंड की जुबली इन 1977, तो तब से ये अभी तक बचा है। और ये भी कुछ ऐसा सही है, फुल पुराना सा काफ़ी ग्राम, ऐसे 3D ऐसे लगता है ऐसे बाहर आता हुआ है, ये ऐसे ऊपर बाहर आ रहा है, ये ऐसे बनाया जाता है साइंस इसके पीछे। ये लाइट दिख रही है आपको तो ये है, इसके पीछे ये बात हुई थी। कोई नहीं, ज़्यादा पढ़ नहीं रहा मैं, पढ़ने के मूड में नहीं हूँ। तो देखो ये डॉग दिख रहा है, इसमें बिल्ली दिख रही है प्यारी सी, इसमें दिख रहा खतरनाक कुत्ता भाई साहब, उंगली डाल के काट नहीं रहा पर है प्यारा ही। और ये लड़की देखो इसको पेड़ को होल्ड करके रख खड़ी है भाई, डर लग गया। और ये लग रहा भाई साहब ऐसा सा, अरे यार और ऐसा सा लग रहा है। ये ऊपर इसका कुछ है नहीं, बंद कर रहा है। बाकी ये देख लिया, अब चलते हैं। ये देखो जैसे चल रहा है तो ये नाच रहा है ऐसे, ये इसके पीछे सही है लक्सी डिस्प्ले, इसमें तो घुमाते हैं, ज़्यादा तेज हो गया थोड़ी तेज बहुत है। ये देख रहे हो बॉल, ऐसे लग रहा है बॉल उठा के फील्डिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इसमें ही देखते हैं। और ऐसे स्लो मोशन थोड़ी तेज हुआ इसको आइए, और जैसे हो गया इसमें ऐसे करेंगे तो ऐसा सा दिखेगा एरिया, तो ये कह रहे हैं विलियस लग रहा है। मे बी ब्रो दिस इट लुक्स लाइक द टाउन हॉल स्क्वायर, ये एरिया। ओके तो भाई ख़त्म हो गया, और भी ये भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, अभी थोड़ी बहुत रिपीटेड है, इतना खास नहीं है, पर ये मुझे बहुत प्यारा लगा ये। और वो वाला आप देख सकते हैं जो वो स्कल्पचर, मेरा घर है तो मैं उसको लगाऊंगा, बाकी बस हो गया। अलग अलग सी पेंटिंग में आपको दिखा देते हैं, एक ऐसी सी आई रिवर्स स्कल्पचर में है, ये ऐसी सी बना हुआ बहुत प्यारा सा, और ये ऐसी सी है, ये दिखा हुआ डेविड मैकडोनल्ड। अब देखते हैं क्या है ये, ऐसे He is excited about this.
So let's say again, hi boys. 13 की भी चार्जिंग की भाई ख़त्म हो चुकी है. अब चलते हैं, बैग वैग लेते हैं और बाहर निकलते हैं. काफ़ी टाइम हमने लगा दिया अंदर, मज़ा आ गया, पर इट वॉज वर्थ इट आई गेस. बाकी अब दिखा देते हैं प्राइस की सिचुएशन है और बाकी ऐसी ऐसी चीज़ें भी हैं यहाँ पे लेने के लिए. नो आई वॉन्ट दैट स्कल्पचर, आई ओनली बाय दैट स्कल्पचर. दैट स्कल्पचर ये वुडन वन. ओए आई हैव टू गेट माई बैग है, ऐसा है ऐसे आप देख सकते हो. और चलो चलते हैं, तो बारिश आ रही है. हो गया भाई, मुझे लगता है इसका पूरा सेपरेट बहुत बड़ा ब्लॉग बन जाएगा, तो इसका एंडिंग कर देते हैं अभी. बाहर से एंडिंग कर रहे हैं, तो वीडियो इतनी सी भी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना. मैं मिलता हूँ आपको अगले किसी ब्लॉग में, मतलब अभी लाइन में सीरीज आएगी तो भाई देखते रहना. मैं मिलता हूँ आपको अगले किसी में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय.